नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें मंबो जंबो किड्स चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मो, क्या जादुई कहानियां सच में होती हैं? सच का तो मुझे पता नहीं, मगर होती बहुत मजेदार हैं। तुम मुझे कोई जादुई कहानी सुनाओ ना। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक राजा था जो अपनी बेटी के साथ एक शानदार महल में रहता था। राजा अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करता था। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, जिसके कारणवश वह बहुत सिद्धी हो गई थी। एक दिन राजकुमारी अपनी सोने की गेंद लेकर बाहर खेलने निकलती है। वह गेंद राजकुमारी को बहुत प्यारी थी। खेलते खेलते गेंद पास के तालाब में चली जाती है और डूब जाती है। राजकुमारी रोते हुए बोलती है, मेरी गेंद, ओह मेरी प्यारी गेंद कहाँ चली गई? तभी तालाब से एक मेंढक बाहर निकलता है। राजकुमारी रोए ना, मैं आपकी गेंद तालाब से बाहर निकाल दूंगा, मगर उसके बदले में आपको मुझे अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। मैं आपके साथ खेलूंगा, आपकी प्लेट में खाना खाऊंगा, आपके बिस्तर पे ही सोऊंगा। राजकुमारी सोच में पड़ जाती है, इस गंदे प्राणी के साथ में कैसे दोस्ती कर सकती है, मगर फिर मेरी प्यारी गेंद मुझे कैसे मिलेगी? राजकुमारी मेंढक की बात मान जाती है और मेंढक को हाँ बोल देती है। मेंढक तालाब में छलांग लगाता है और गेंद बाहर निकाल लेता है। मेंढक सुनहरी गेंद राजकुमारी को दे देता है। राजकुमारी गेंद अपने पास आते ही वहां से भाग जाती है। मेंढक भी राजकुमारी के पीछे भागता है, मगर राजकुमारी देखते देखते मेंढक की नजरों से गायब हो जाती है। मेंढक निराश हो जाता है। दूसरे दिन राजकुमारी अपने पिताजी के साथ भोजन कर रही होती है, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। राजकुमारी जाती है और दरवाजा खोलती है। वहां मेंढक खड़ा होता है। ओह गंदे मेंढक, तुम्हें किसने यहाँ आने को कहा? तुम वापस चले जाओ अपने गंदे तालाब में और अपनी गंदी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। मगर तुमने मुझसे वादा किया था। कौन सा वादा? राजकुमारी जोर से दरवाजा बंद कर देती है और वापस खाना खाने लगती है। क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी, इतनी उदास क्यों हो? राजकुमारी राजा को सारी बात बताती है। बेटी, अगर तुमने किसी को कोई वचन दिया है तो तुम्हें उसे निभाना होगा, यह इस साम्राज्य की परंपरा है। राजकुमारी
राजा की बात मान लेती है। और मेढक को अंदर बुला लेती है। मुझे बहुत भूख लगी है। बेटी, इन्हें ऊपर बिठाओ और भोजन परोसो। राजकुमारी मेंढक को एक उंगली से उठाती है और ऊपर रख देती है और उसके लिए भोजन परोसती है। मेंढक पेट भरकर खाना खाता है, लेकिन राजकुमारी गुस्से में खाना खा रही थी। वाह, आज तो मजा आ गया। मैंने ऐसा भोजन आज तक नहीं खाया। ओह, अब मैं थक गया, मुझे नींद आ रही है। राजकुमारी उसे ऊपर लेके जाती है और अपने बिस्तर पर सुला देती है और खुद भी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। सुबह होती है, राजकुमारी उठती है और देखती है मेंढक बिस्तर पर नहीं है। इधर उधर देखती है तो उसे एक सुंदर राजकुमार दिखता है। अरे, आप कौन हो? आपने यहाँ किसी मेंढक को देखा? वो मेंढक मैं ही हूँ। राजकुमारी आश्चर्यचकित हो जाती है। मुझे एक श्राप मिला था जिस कारण मैं मेंढक बन गया था। अगर मैं किसी राजकुमारी के साथ भोजन करता और उसके बिस्तर पर सोता तो ही मैं उस श्राप से मुक्त हो पाता। अनजाने में मैंने आपको बहुत कुछ बुरा बुरा बोल दिया, मुझे क्षमा करें। राजा दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करवा देता है। मजा आ गया, क्या कहानी थी। अब अपना होमवर्क कर लो। नहीं, मुझे भी एक और कहानी सुनाओ। अगर तुमने जिद करी तो मैं तुम्हें मेंढक बना दूंगी। दोनों हंसते हंसते अपना काम करने लगते हैं। मो, ये जल परियां क्या होती हैं? तुम्हें इसके बारे में कहां से पता लगा? आज स्कूल में मेरे दोस्त नन्ही जल परी की बात कर रहे थे। ठीक है, मैं तुम्हें नन्ही जल परी की कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक समुद्र के नीचे महल था जहां एक राजा अपनी 5 बेटियों के साथ रहता था। किसी को समुद्र के ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी जब तक वह 15 साल की ना हो जाए। राजा की सबसे छोटी बेटी बहुत सुंदर जलपरी थी, उसका नाम एरियल था। वह समुद्र के ऊपर जाना चाहती थी। आखिरकार एक दिन आया जब वह 15 साल की हुई। वह समुद्र के ऊपर जाती है और बहुत खुश होती है। फिर वह एक जहाज देखती है। कितना बड़ा जहाज है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। वह जहाज के पास जाती है और देखती है उसमें
एक सुंदर राजकुमार बैठा है। तभी अचानक समुद्री तूफान आता है। जहाज डूब जाता है, लेकिन एरियल राजकुमार को बचा लेती है और समुद्र के किनारे ले जाती है। थोड़ी देर बाद राजकुमार होश में आता है। तब तक एरियल समुद्र के नीचे चली जाती है। राजकुमार के सैनिक राजकुमार को ढूंढते हुए आते हैं और राजकुमार को महल में ले जाते हैं। नन्ही जलपरी को राजकुमार से प्रेम हो गया था। वह रोज समुद्र के ऊपर आती और राजकुमार के आने का इंतजार करती, लेकिन राजकुमार नहीं आया। एरियल राजकुमार को ढूंढने के लिए धरती पे जाना चाहती थी, लेकिन वो एक जलपरी थी, समुद्र से बाहर नहीं जा सकती थी। फिर उसे एक तरकीब सूझी और वह समुद्री जादूगरनी के पास गई। मुझे इंसान बनना है। लेकिन क्यों? मुझे राजकुमार से प्रेम हो गया है। ओह, तो ये बात है। मगर इसके बदले में तुम्हें मुझे अपनी आवाज देनी होगी। एरियल मान जाती है। जादूगरनी उसके ऊपर जादू करती है और उसे इंसान बना देती है। जलपरी बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वह राजकुमार के सामने होती है। राजकुमार उससे पूछता है, तुम कौन हो? लेकिन एरियल की आवाज जा चुकी थी। राजकुमार अब एरियल को अपने महल में अपने साथ रखता, एक अच्छे दोस्त की तरह। राजकुमार ये नहीं जानता था कि एरियल ने ही उसकी जान बचाई है और वो उससे प्रेम करती है। कुछ दिनों बाद राजकुमार की किसी से शादी होने वाली थी। अब न तो नन्ही जलपरी समुद्र में जा सकती थी और न ही राजकुमार के पास रह सकती थी। उसने समुद्र में कूदने का फैसला किया। जब वह समुद्र में कूदती है तो समुद्र में नीचे जाने के बजाय वो आसमान में उड़ने लगती है और बादलों की दुनिया में पहुंच जाती है। बादलों के वासी उसका स्वागत करते हैं। काश नन्ही जलपरी की शादी राजकुमार से हो जाती। हमें हर काम निस्वार्थ भावना से करना चाहिए और जो मिल जाए उससे खुश हो जाना चाहिए। मू और जो अपने कमरे में सोने जा रहे थे। गुड नाइट जो। मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, क्या तुम मुझे कोई कहानी सुना सकती हो? कहानी? हाँ सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक राजा था जिसकी 12 बेटियां थीं। सभी राजकुमारियां बहुत ही सुंदर थीं और शादी के लायक भी हो गई थीं। तभी राजा को एक बात पता चलती है कि उसकी सारी बेटियां रात भर नाचती हैं, मगर कहां और कैसे यह किसी को नहीं पता था। राजा
बहुत कोशिश करता है, मगर पता नहीं लगा पाता। राजा थक हार के ऐलान करता है कि जो कोई भी यह राज का पता लगाएगा वह अपनी मनपसंद की राजकुमारी से शादी कर सकता है। अगर वह इस बात का पता 2 दिन में नहीं लगा पाया तो वो सजा का हकदार होगा। यह बात आग की तरह चारों तरफ फैल गई। तभी पड़ोसी राज्य से एक राजकुमार आया और बोला, राजा जी, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं इस राज का पता लगा सकता हूँ? राजा उसका स्वागत करता है और उसे राज का पता लगाने की अनुमति दे देता है। रात के भोजन के बाद राजकुमार अपने कमरे में चला जाता है। उसका कमरा राजकुमारियों के कमरे के पास में ही था, ताकि वो उन पे नजर रख सके। राजकुमार उन पे लगातार नजर बनाए हुए था। तभी एक राजकुमारी उसके कमरे में आती है और उसे शरबत पीने को देती है। राजकुमार शरबत पी लेता है। थोड़ी देर बाद उसका सर घूमने लगता है। वो सो जाता है। सुबह वो उठता है तो देखता है कि राजकुमारियां नाच के वापस आ गए हैं। ऐसे ही 2 दिन हो जाते हैं। लेकिन वो राज का पता नहीं लगा पाता। राजा ने भी उस पर दया नहीं दिखाई और उसे कारावास में भेजने का आदेश दे दिया। ऐसे ही बहुत लोग आते हैं, मगर राजा सबको कारावास में भेज देता है। कुछ दिनों बाद एक सैनिक राजमहल की तरफ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा मिलता है। वह बहुत सारा सामान लेके जा रहा था। वो सैनिक उसकी मदद करता है। और उसे उसकी घर छोड़ देता है। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इस नगर के राजमहल जा रहा हूँ, राजकुमारियों के नाच का पता लगाने। हाँ बेटा, बस तुम शरबत मत पीना जो राजकुमारियां तुम्हें देंगी। और ये लो जादुई चादर, इसे पहनकर तुम अदृश्य हो जाओगे और किसी को दिखाई नहीं दोगे बेटा। सैनिक वे चादर लेके महल की तरफ बढ़ता है। रात के भोजन के बाद उसे कमरे में छोड़ दिया जाता है, जो कमरा राजकुमारियों के कमरे के पास में होता है। थोड़ी देर बाद सबसे बड़ी राजकुमारी उसके कमरे में आती है। ये शरबत आपके लिए हमारी तरफ से। जी राजकुमारी। सैनिक वो शरबत पी लेता है मगर निगलता नहीं है और सोने का नाटक करता है। राजकुमारी खुश होके वहां से चली जाती है। चलो अब हम नाच के लिए चल सकते हैं। राजकुमारी अपने पलंग को धक्का देती है तो एक सुरंग दिखाई देती है। सभी राजकुमारियां उस सुरंग के अंदर जाती हैं। सैनिक ये सब देख लेता है।
और चादर पहन के उनके पीछे चलने लगता है। थोड़ी देर बाद एक नदी आती है। सैनिक देखता है कि वहाँ 12 नावों में 12 राजकुमार राजकुमारियों का इंतजार कर रहे थे। राजकुमारियाँ एक एक करके अपनी अपनी नाव में बैठती हैं और राजकुमार नाव चलाना शुरू करते हैं। सैनिक भी एक नाव में बैठ जाता है। अरे, आज नाव कुछ ज्यादा भारी लग रही है। थोड़ी देर बाद एक महल आता है। सब लोग महल के अंदर जाते हैं। राजकुमारियां अपने अपने राजकुमारों के साथ नाच करती हैं। सैनिक ये सब देख रहा होता है। पूरी रात नाच चलता है। महल के बाहर निकलते हैं। और वापस नाव में बैठते हैं। और राजकुमार राजकुमारियों को नदी के किनारे छोड़ देता है। राजकुमारियां सुरंग से अपने कमरे में वापस पहुंच जाती हैं। सैनिक भी अपने कमरे में आकर सो जाता है। सुबह सैनिक को राज दरबार में बुलाया जाता है। सैनिक राजा को सब कुछ बता देता है। राजा राजकुमारियों को बुलवाता है। क्या यह सैनिक सच बोल रहा है? हाँ पिताजी। राजा मुस्कुराता है और सैनिक से पूछता है, तुम मेरी किस बेटी से शादी करना चाहते हो? सबसे बड़ी राजकुमारी से। राजा दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करा देता है। जो तुम तो सो गए। और फिर मो भी सो जाती है। जो अपने कमरे में खेल रहा था, तभी उसका दोस्त रूनी वहाँ आता है। अरे जो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे खिलौने हैं, क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? नहीं, मैं अपने खिलौने किसी को नहीं दे सकता। तभी मो अंदर कमरे में आती है। जो, तुम्हारे पास इतने खिलौने हैं, तुम कुछ रूनी को दे दो। नहीं। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। सुनाओ। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रमेश और छोटे भाई का नाम सुरेश था। रमेश के पास बड़ा घर, गाड़ी और बहुत सारे नौकर थे। वो बड़ी ही शानो शौकत से रहता था। लेकिन दूसरी तरफ उसका छोटा भाई सुरेश बहुत ही गरीब था। वो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए एक समय के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाता था। एक
दिन सुरेश अपने घर पहुंचता है। भोजन लगाओ। खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे भी बहुत भूखे हैं, घर में बिल्कुल भी अनाज नहीं है। यह सुनकर सुरेश बहुत दुखी हो गया। आपके बड़े भाई तो बहुत अमीर हैं, उनसे ही कुछ मदद मांग लो। सुरेश तुरंत अपने बड़े भाई रमेश के घर पहुंचता है। सुरेश दरवाजा खटखटाता है, रमेश दरवाजा खोलता है। अरे सुरेश, क्या बात है, कैसे आना हुआ? भैया, मेरा कारोबार बंद हो गया है, घर में अनाज भी खत्म हो गया है, मेरे बच्चे भूखे हैं, आपसे थोड़ी मदद चाहिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे ये क्या बात हुई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हारा कारोबार बंद हुआ तो मैं क्या करूं, जाओ यहाँ से। सुरेश अपमानित होकर वहाँ से अपने घर की तरफ निकलता है। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिलती है, वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ माता जी। सुरेश लकड़ियों का गट्ठा उठाता है और बुढ़िया के साथ चलने लगता है। बुढ़िया का घर आ जाता है और सुरेश लकड़ियों के गट्ठे को घर के बाहर रख देता है। बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में अनाज भी नहीं है। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ जिससे तुम अमीर बन जाओगे। क्या? अगर तुम इस रास्ते पे सीधे जाओगे तो तुम्हें दो आम और सेब के पेड़ मिलेंगे। उन आम सेब के पेड़ के पीछे एक बहुत पुराना महल है, वहाँ तुम्हें तीन बोने मिलेंगे। उन बोनों को मिठाई बहुत पसंद है, तुम बस उनको मिठाई देना और बदले में उनसे चक्की मांग लेना। बुढ़िया सुरेश को मिठाई देती है। सुरेश आगे चलने लगता है। रास्ते में उसे दो सेब के पेड़ दिखाई देते हैं और उसके पीछे उसे एक पुराना महल दिखाई देता है। वो उसी तरफ चलने लगता है। वो महल के अंदर जाता है। वहां उसे तीन बोने दिखाई देते हैं। तुम कौन हो? चोर लगते हो। तुम यहाँ चोरी करने आए हो? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए मिठाई लेके आया हूँ। मिठाई? वाह! तुम यह मिठाई हमें दे दो और बदले में जो चाहे ले लो। मुझे इसके बदले में वह चक्की चाहिए। हाँ ले लो, मगर यह कोई मामूली चक्की नहीं है, तुम इसे चला के जो भी मांगोगे वो बनना शुरू हो जाएगा और जैसे ही उसके ऊपर लाल कपड़ा डालोगे तो ये चक्की बंद हो जाएगी। सुरेश बोनों से मिठाई के बदले चक्की लेकर वहाँ से निकलता है। जैसे ही वह घर पहुँचता है, देखता है उसकी बीवी बच्चे जमीन पे भूखे पड़े हैं। वो जल्दी से चक्की को नीचे रखता है और चक्की घुमाता है और कहता है, चक्की चक्की मुझे दाल दे। चक्की दाल का ढेर लगा देती है। और सुरेश उस पे लाल कपड़ा डाल देता है।
चक्की चक्की मुझे चावल दे। और चक्की चावल का ढेर लगा देती है। सुरेश फिर उस पे लाल कपड़ा डाल देता है। पूरा परिवार पेट भर के खाना खाता है। अब सुरेश रोज उससे बहुत सारा अनाज मांगता है। जैसे दाल, चावल, आटा, बाजरा इत्यादि। और सारा अनाज बाजार जाके बेच देता। धीरे धीरे सुरेश अमीर बन गया। नया घर, गाड़ी और नौकर आ गए। ये देखकर उसका बड़ा भाई रमेश बहुत दुखी हो गया। वो उससे ईर्ष्या करने लगता है। यह कैसे हो सकता है? ये अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई राज है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। एक दिन रमेश सुरेश के घर में छुप गया और उसने देखा कि वह सारा कमाल उस जादुई चक्की का है। उसने मौका लगते ही चक्की चुरा ली और अपने बीवी बच्चों के साथ नाव में बैठकर गांव से भाग गया। नाव में जाते हुए रमेश ने चक्की का जादू देखना चाहा। उसने चक्की से कहा, चक्की चक्की मुझे आटा दे। चक्की ने आटा देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरी नाव आटे से भर गई। लेकिन रमेश को चक्की कैसे बंद होगी ये नहीं मालूम था। चक्की बंद हो जा, चक्की बंद हो जा। रमेश चिल्लाता रहा लेकिन चक्की बंद नहीं हुई और रमेश पूरे परिवार के साथ नदी में डूब गया। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो अपने कुछ खिलौने रोनी को देता हुआ, रोनी मुझे माफ कर दो। धन्यवाद मेरे दोस्त, ये हुई ना बात। हाय मैं मो हूँ। हाय मैं जो हूँ। और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।